ये सामने जो पहाड़ आ रहा है अपने यहाँ से राइट वाला आगे चल के आएगा थोड़ा सा, दो मिनट के बाद ठीक है। मुंबई में बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। अच्छा हुआ मैं 7 बजे निकला, 6 बजे निकल गया एंड आई हैव रीच्ड ओवेयर ऑन माय फ्लाइट टू उदयपुर। वी आर गोइंग टू उदयपुर, लेट्स सी हाउ विल बी द ट्रिप। अभी तो गाइस आई एम डन विद द चेक इन, चेक इन तो कर लिया हमने, चेक इन इसलिए कर लिया कि अगर हम अंदर आ भी जाएं तो हम लोग कुछ उधर ही टाइम पास वगैरह कर, लाउंज वाउंज में बैठे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था हमको लाउंज पर एक्सेस मिला नहीं, सो वी आर सिटिंग इन द फूड कोर्ट एंड खाने के लिए वी हैव टेकन कर दिया, थोड़ा अच्छा भी लगता है फाइनली बहुत ज़्यादा टाइम पास करने के बाद। अभी हमारा जो टाइम है वो 12:45 हो चुका है और 1:20 पे चेक इन होगा, तो वी आर थिंकिंग। सो गाइस वी आर एट द उदयपुर एयरपोर्ट, वी हैव रीच्ड एंड नाउ वी आर गोइंग टू द प्लेस जहाँ पे हमको जाना है, विच इज शॉरगढ़ रिजॉर्ट। एंड भैया आपका नाम? गजेंद्र सिंह राठौड़ जी हमारे पास आए हैं हमको लेने के लिए और वो हमको छोड़ने वाले हैं। वो बता रहे हैं कि हमारा जो ये जो गाइस जितने लोग भी देख रहे हो, हम लोग उदयपुर में हैं और आज उदयपुर के बारे में मैं नहीं गजेंद्र सिंह राठौड़ जी बताएंगे। तो व्हेन एवर यू कम टू उदयपुर, द नंबर ऑफ मिस्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ इज गिवन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन प्लीज टेक इट एंड यू कैन गिव अ कॉल टू हिम फॉर एनी ऑफ द कैब सर्विसेज और इफ यू नीड एनी ऑफ द हेल्प। आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी आप उस फोन पे फोन करिए। और अभी उदयपुर के बारे में जो भी कुछ है वो गजेंद्र जी ही बताएंगे, आज मैं नहीं बताऊंगा। उदयपुर की जुबानी गजेंद्र की जुबानी बताओ भैया, मतलब क्या कौन से पहाड़ पे भैया? ये सामने जो पहाड़ आ रहा है अपने यहाँ से राइट वाला आगे चल के आएगा थोड़ा सा, दो मिनट के बाद ठीक है। घाटे वाले माता जी के नाम से टेम्पल है ये, ठीक है, काफी पुराना है ये और यहाँ से अकबर रिटर्न हुआ था। कहाँ पे? जब युद्ध के लिए अकबर वगैरह आई थी, अकबर की सेना वगैरह आई थी, यहाँ से रिटर्न हुए थे। डर गए थे वो इसलिए जी? क्या डर की वजह से? नहीं सर, एक्चुअली में वो कहते हैं माता जी की वजह से, एकनाथ जी के आशीर्वाद से वगैरह सब। अच्छा, मार्बल। तो गाइस ये जो अभी आप सामने वाला घर देख रहे हो लेफ्ट वाला जो राइट में है, ये पूरा इतना बड़ा वाला, तो दिस इज द हाउस ऑफ द ओनर ऑफ आरके मार्बल्स। सो इट इज सेड कि ये पूरा बुलेट प्रूफ घर है एंड दिस सारे शीशे वगैरह एंड दिस इज फकिंग ह्यूज ह्यूज, इस पूरी उसकी बाउंड्री है अभी तक। एंड गाइस बहुत ही ज्यादा मशक्कत के बाद, फ्लाइट लेट होने के बाद, मुंबई ट्रैवल करने के बाद वी हैव रीच्ड उदयपुर एंड उदयपुर में वी हैव रीच्ड शौर्यगढ़ रिजॉर्ट एंड स्पा जहाँ पे शादी है पालीवाल फैमिली एंड दादारिया फैमिली की। तो आई विल शो यू द वेन्यू, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग गाइस, वी आर ऑल सेट एंड रेडी एंड नाउ वी आर गोइंग टू रिसीव द बारात। होटल इज डिजाइंड, this is lit up so well. And guys the barat is here. ये है फतेह सागर पे, मैं वो वाला बताओ ना, वो कौन सा जहाँ पे वो ताज का वो है, वो वाला बता देंगे पहले, एक बार ये करना हो okay. जो भी करना आपको। अरे भाई लोग सबसे पहले हम हैं, कौन सा लेक, अरे मैं भूल गया, फतेह सागर लेक। आओ हेलो हेलो
देखे फोटोग्राफर को, क्या बोलो आंटी? हटो प्रांजल, जल्दी हटो, तुम नहीं आ रहे हो। सही हटो, तुम नहीं आ रहे हो। बहुत प्यारी आ रही है, लुकी भी खींचूंगी मैं। एक पैर तो पीछे मत करना। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। हटो हटो, पूरा व्यू ले लिया। देखो आप, तो गाइस हम आ गए हैं उदयपुर के एक और जगह पे जहाँ पे सारी विंटेज गाड़ियों का कलेक्शन है। यहाँ पे एंट्री टिकट इज 400 रुपीज, तो 400 में यू कैन सी ऑल द कार्स जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। बट इन गाड़ियों के बारे में कुछ पता ही नहीं है यार। वो ऊपर देखो, ओह फोर्ड 1942 कंट्री मेड USA। ये भी फोर्ड कंट्री मेड 42, सेम है। टांगा नहीं है, गाड़ी है। अबे टांगा नहीं, गाड़ी है। गाड़ी कहाँ से हो गई? गाड़ी है ये। क्या होता है होली अष्टमी पे? महाराणा सब यूज करते हैं फेस्टिवल पे। फेस्टिवल पे क्या होता है? यही जाती है वो वाला यूज करते हैं। लुक तो रॉयल है। Guys, so that was Mercedes 180D, this is 190D. Yeah, 200. 89. So, ye first car thi 1989 mein, headlight wipers and GPS. Headlight wiper and GPS. Hunting car. Hunting car? Aluminium body, original. Jeep ka. Ye sabse purana 1924. 100 saal ho gaye, batao is model ko. Wow. ने अभी अभी हायर किया एक नई धन्नो इसको बसंती को। कहाँ चल रहा है बताओ? हटो 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 हटो। जाओ घोड़े तो भगाओ। घोड़े नहीं, तुम ही भाग रही हो आंटी। आराम से गिरना जाना। मैं कहाँ बैठूं? मैं यार कोने में बैठूंगा यार। भैया भैया ये थोड़ा ढीला है, पहुंचो ना। Yeah, this is the city palace of Udaipur where the king lives in. Ek side wo rehta hai, ek side inhone government ko diya hua hai. See how good it is. Sabki lenge. Ye hai the Taj. Wow. Ye kya hai? रहते। ये वाला कौन सा है? ये भैया बताओ। ये लीला पैलेस। लीला पैलेस यही तो शायद था।